वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, स्पेशली तो लाला के फैंस और सचिन तेंदुलकर के फैंस, यानी इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइज, इस तरीके से AI इमेजेस हम जनरेट करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको फुल ट्यूटोरियल मिल सके। और अगर इंडियन फैंस हो या पाकिस्तानी फैंस हो, दोनों के फैंस को ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें तो आके आने वाली वीडियोस भी आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बिंग इमेज एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट यूज़ करके बिंग इमेज क्रिएटर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो सिंपली हम इमेज क्रिएटर का ऑप्शन डायरेक्टली एप्लीकेशन में मिल जाता है, तो सिंपली हम उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दे देता है। तो यहाँ पे ऊपर आपको एक प्रमोट देने की यानी जगह मिलती है, तो यहाँ पे आपको वो प्रमोट देना है, यानी जो भी टाइप करना है कि किस तरह की इमेज चाहिए। तो मैं वो प्रमोट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से इजीली आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला प्रमोट सचिन तेंदुलकर के फैंस के लिए दे दिया है। यहाँ पर आप ये कॉपी करके सिंपली मेरे नाम को रिप्लेस कर देना अपने नाम के हिसाब से और क्रिएट पे कर देना क्लिक। और जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो फिर सेकंड में आपकी इमेजेस कुछ इस तरीके से जनरेट होके आ चुकी हैं, जो कि देखने में बहुत ही रियलिस्टिक और अमेजिंग है। तो ऐसे इमेजेस के लिए सिंपली हमें इनको डाउनलोड करने के लिए जो इमेज अच्छी लगती है तो उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद वो कुछ इस तरह के इंटरफेस में आ जाती है। तो इसको डाउनलोड करने के दो तरीके हैं, नीचे 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो, या फिर होल्ड करके सेव एज इमेज पे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तो हम 3 डॉट वाला ऑप्शन यूज़ करके सभी इमेजेस को यहाँ से हम इजीली डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब बारी आती है यहाँ पे लाला के फैंस के लिए, तो यहाँ पर हम इमेजेस को थोड़ा इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले प्रमोट दिया है, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पे कर दिया है क्लिक, और फिर सेकंड में हमारी इमेजेस यहां पे रेडी होके आ जाएंगी। तो 10 सेकंड्स के बाद यहां पे हमारी इमेजेस कुछ इस तरीके से रेडी होके आ चुकी हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है लाला के फैंस के लिए। और अगर अच्छी ना लगे तो अगेन क्रिएट पे क्लिक करना, ताकि आपको अगेन AI जनरेट करके देगा लेटेस्ट फोटोज़। तो कुछ इस तरह के AI इमेजेस हमें मिल चुके हैं। तो इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए सिंपली हम नीचे 3 डॉट पर क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सेम प्रोसेस के दौरान दूसरी इमेज को भी डाउनलोड कर लेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।